Hello everyone, how are you? I hope you all are well, enjoying your studies with Nija Education. Don't forget to like, share our videos and subscribe to our channel if you have not subscribed yet. So today we will be seeing third chapter of history from class 10, that is nationalism in India. Now from the very first chapter of history in class 10, rise of nationalism in Europe, you have already understood what is nationalism, right? What is nationalism? Nationalism is basically, in simple language, Deshbhakti, love and passion for your nation. तो अब आप सोच रहे होंगे कि nationalism तो हम सब में कूट कूट के भरा हुआ है, फिर हम ये chapter क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये chapter इसलिए पढ़ रहे हैं because we are talking about intense nationalism feeling that developed in India during period of colonialism. मतलब कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, तब लोगों में जो देशभक्ति उमड़ उमड़ के आई, इसकी सारी बातें हम करेंगे इस चैप्टर में. थोड़ा बहुत आप इसके बारे में ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, बट इन नाइन्थ क्लास व्हाट यू हैव सीन इज अप टू 1918, 1919, एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी सीइंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स. बट एज यू नो इन हिस्ट्री या इन जनरल लाइफ, एनी बिग इवेंट इन हिस्ट्री इज ऑलवेज हैविंग अ ट्रिगरिंग इवेंट. मतलब कि कोई ना कोई एक बड़ी इवेंट के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इवेंट्स होती है जिसकी वजह से वो बड़ी इवेंट आती है पिक्चर में. तो यहाँ पे ऐसी ही बड़ी इवेंट के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एंड दैट इवेंट वॉज वर्ल्ड वॉर वन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया. नाउ इन वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड, मतलब कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर वन लड़ रहा था. और उस टाइम में क्या था कि ब्रिटिशर्स वेर हैविंग द रूल ओवर इंडिया. सो टू कॉप अप विद द एक्सपेंडिचर्स ऑफ दिस वॉर, दे इम्पोज्ड इनकम टैक्स ऑन इंडियंस एंड दे ऑल्सो इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटीज. अब देखो, अब ये समझने वाली बात है कि वॉर हो रही है मतलब कि बहुत सारा खर्चा होगा भाई. हथियारों के लिए पैसे चाहिए, गन के लिए पैसे चाहिए, एंड जो सोल्जर्स होते हैं दूर दूर लड़ रहे होते हैं उनको खाना भी तो खिलाना पड़ता है. सो वॉर मीन्स ह्यूज एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे क्या हो रहा था, लड़ तो ब्रिटेन रहा था लेकिन सब खर्चा कौन उठा रहा था? इंडियंस. बहुत सारा उस खर्चे का हिस्सा इंडियंस के माथे पे मढ़ दिया गया था. सो दैट वॉज वन रीजन बिकॉज ऑफ विच पीपल वर वेरी एंग्री अपॉन ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश रूल. सेकेंड इज, सी वेन एवर टैक्सेस विल इंक्रीज, ऑटोमेटिकली प्राइजेस विल इंक्रीज. सो दिस इंक्रीमेंट इन प्राइजेस लेड टू हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. मतलब कि जो इंसान बेचारा इतना ही मुश्किल से कमा रहा है कि अपना घर चला सके, अब प्राइजेस बढ़ गए तो उसकी वजह से उसका बर्डन और बढ़ गया. देन थर्ड थिंग इज फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मीज फ्रॉम द रूरल एरियाज. मतलब गांव में से लोगों को पकड़ पकड़ के बोला कि जाओ आर्मी ज्वाइन करो, वर्ल्ड वॉर वन में हिस्सा लो. अब ये जो चीज़ हो गई उसकी वजह से जो गांव के लोग थे वो भड़क गए. सो दैट वॉज द थर्ड पॉइंट. एंड द फोर्थ इज, अब देखो कभी कभी होता है ना कि सब मुसीबत एक साथ आ रही, तो इन मुसीबतों के साथ तो इंडिया लड़ ही रहा था कि 1918, 1919 and 1920, 1921 में क्रॉप फेल्ड इन इंडिया. एंड इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर, देन इन दैट टाइम मोस्ट ऑफ द इनकम ऑफ इंडियंस वेर कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. मतलब कि उस वक्त भारत बिल्कुल पूरी तरह से ज़्यादातर लोग खेती में जुड़े हुए थे और खेती प्रधान देश था, तो उस हालत में क्रॉप फेलियर से कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा आप समझ सकते हो. तो दिस क्रॉप फेलियर लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, एंड एट द सेम टाइम मैनी पीपल लॉस्ट देयर इनकम ऑल्सो. अब एक तरफ तो इनकम जा रही है, क्रॉप फेल हो रहा है और टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो रही है. अब जैसे ही शॉर्टेज ऑफ फूड होगी प्राइजेस बढ़ जाएगी फूड की, ठीक है. सो दे ऑल, दिस ऑल पॉइंट्स आर बेसिकली इंटर रिलेटेड. नाउ अलोंग विद दिस, आपने अभी जब कोरोना चल रहा था तो ये कहीं ना कहीं से सुना होगा कि हर 100 साल के बाद ऐसी कोई ना कोई बीमारी आती है, हर 100 साल के बाद ऐसा कुछ होता है. तो अभी 2020 चल रहा है, 1920 में
देयर केम वन सच एपिडेमिक दैट वॉज इन्फ्लुएंजा. मतलब कि अभी जैसे कोरोना का कहर छाया हुआ है, वैसे ही इन्फ्लुएंजा का कहर छाया हुआ था. एंड शॉर्टेज ऑफ फूड भी थी. सो बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन एंड एपिडेमिक कंडीशन इन 1920-21 12-13 million पीपल डाइड. मतलब कि स्टारवेशन से, भूखमरे से और इस इन्फ्लुएंजा की जो एपिडेमिक कंडीशन थी उसके चलते इतने सारे लोग मर गए. सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कैन बी आस्क्ड इन अ 5-mark क्वेश्चन इन योर एग्जाम. व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडिया. ओके, या उस ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ था. सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन हैड लेड टू मैनी हार्डशिप्स इन द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया. बट वी एज इंडियंस आर ऑलवेज होपफुल. सो पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड वंस द वॉर वुड एंड. बट अल्टीमेटली दैट डिड नॉट हैपन. एंड तभी क्या हुआ, हीरो की एंट्री. सब जगह लोग दबे सहमे से हैं और तभी जैसे मूवीज में हीरो की एंट्री होती है चश्मे लगा के, वैसे ही यहाँ पे हीरो की एंट्री हुई इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका. गांधी जी रिटर्न्ड टू इंडिया. इन साउथ अफ्रीका ही हैड ऑलरेडी फॉट अगेंस्ट द रेसिज्म. वहाँ पे अपार्थाइड चल रहा था, रेसिज्म चल रहा था, जिसके सामने गांधी जी ऑलरेडी लड़ चुके थे यूजिंग सत्याग्रह. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वर्ड सत्याग्रह. सत्याग्रह इट्सेल्फ मीन्स सत्य का आग्रह. गांधी जी बिलीव दैट ट्रूथ doesn't require support of violence. Means if your fight is for truth, if you are fighting against any kind of injustice, physical force is not required. But simply by being firm on what you say, by being firm on your actions that doesn't include any kind of violence, you can make other person, your opponent's conscience to the situation. मतलब कि सामने वाला खुद ही आपकी बात मान जाएगा, उसकी अंतरात्मा जाग जाएगी बिना किसी वायलेंस के, अगर आपकी लड़ाई सच की लड़ाई है. सो दैट वॉज सत्याग्रह. एंड गांधी जी अलॉन्ग विथ फ्यू ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ इंडिया स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट. द वेरी फर्स्ट वॉज इन 1916. सी ये जो तीनों हैं सत्याग्रह मूवमेंट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये 1-1 mark के क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लिसन टू इट एंड रिमेंबर इट. इन 1916 अलॉन्ग विद द पीसेंट्स ऑफ चंपारण एंड बिहार ही टुक पार्ट इन टू सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन पॉलिसीज. अब 1917 में इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात ही सपोर्टेड पीसेंट्स इन सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्शन. अब वहाँ पे क्या हुआ था, तो बिकॉज ऑफ द प्लेग एपिडेमिक एंड फेलियर ऑफ क्रॉप दिस पीसेंट्स वेर अनएबल टू पे रेवेन्यू. सो दे वॉन्टेड रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू विच वॉज नॉट गारंटेड बाई गवर्नमेंट. एंड गांधी जी हेल्प देम इन फाइटिंग अगेंस्ट दैट यूजिंग सत्याग्रह. मीन्स नॉन वायलेंस मूवमेंट. 1918 में इन अहमदाबाद ही टू पार्ट इन सत्याग्रह मूवमेंट अलॉन्ग विद द कॉटन मिल वर्कर्स. तो अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर एक और सत्याग्रह किया गांधी जी ने. बट दिस ऑल सत्याग्रह वेर बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए की हुई चीज़ें थी. बट गांधी जी थॉट कि अब टाइम आ गया है कि कुछ बड़ा किया जाए, इंडियंस को साथ मिलकर आना पड़ेगा अगर हमें ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालना है. सो ही थॉट ऑफ डूइंग समथिंग बिग. एंड वॉट ही डीड, वॉट बिग नेशनल मूवमेंट हैपेंड इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियंस पार्टिसिपेटेड, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास.